पहुंच गई हूँ प्लेटफॉर्म पर। तुम जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। नीना, आज ही जाना जरूरी था क्या? और ट्रेन पकड़नी भी थी तो ऐसी अजीब जगह से। तुम्हें मालूम था ना कि मुझे यहाँ से जल्दी भागना है। हाँ, वो एक्चुअली मैं तुम्हें बताया था ना सब कुछ। ये बड़ा ही अजीब सा स्टेशन है, ऊपर से नाम भी बहुत ही अजीब, ब्लारा जंक्शन। रीना, ये तुम्हारा ब्लारा जंक्शन आखिर है कहाँ पर? पिछले 2 घंटे से सड़क पे चक्कर काट रहा हूँ लेकिन ये ब्लारा जंक्शन आके मिलता ही नहीं। अरे आज तक नाम नहीं सुना मैंने स्टेशन का कभी, और मेरी छोड़ो, टैक्सी ड्राइवर तक ने नहीं सुना। 25 साल से इस शहर में टैक्सी चला रहा हूँ साहब, आज तक किसी भी पैसेंजर को ब्लारा जंक्शन का नाम लेते हुए नहीं सुना है। वो वहाँ पे पहुँच भी गई है। आपने भी तो 10 आदमियों से पूछा था ना साहब, किसी को भी नहीं पता ये ब्लारा जंक्शन है क्या चीज। अगर ब्लारा जंक्शन नाम की कोई चीज है ही नहीं तो रीना इस वक्त कहां पर है? यहाँ पे लोग भी पुराने पुराने कपड़े पहन के खड़े हुए हैं। 1970 में अमिताभ बच्चन की फिल्मों में पहनते थे ना, वैसे ही। 1970 के कपड़े? इन्हें तुम एग्जैक्टली हो कहां पर इस वक्त? एक सेकेंड, तुम मुसीबत में मुझे अकेले छोड़ने वाले हो? तुम जिंदगी भर साथ रहने का वादा करते थे और ये क्या कर रही हो? हेलो रीना, हेलो रीना, रुक जाइए, नहीं, हेलो रीना, रुक जाइए, नहीं। हेलो रीना, हेलो रीना, दुर्जन ने इतनी रात के बुलाया हमें, क्या हो गया होगा? सुना है कोई लड़की गायब हुई है। हम लोगों का काम खोए हुए लोगों को ढूंढने का नहीं है, हम तो आत्माओं को ढूंढते हैं, आत्माओं को अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। हाँ राघव, अगर दुर्जन ने हमें बुलाया तो जरूर आत्माओं का ही कोई काम होगा, शायद कोई अजीब आत्मा अचानक से कहीं आ गई है।
इतने दिन हो गए हमें ये काम करते करते, मगर मुझे अभी भी दुर्जन से बहुत डर लगता है। और वो इंस्टीट्यूट जहाँ हम काम करते हैं, वो तो दिन में ही इतना डरावना है, रात को न जाने क्या हो रहा होगा वहाँ। और वो जो कमरे है वहाँ पे कॉरिडोर में, इतने चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आती है वहाँ पे? मैं तो एक ना एक दिन उन दरवाजों को खोल के ही रहूंगा, देखना चाहता हूँ आखिर वो कौन लोग है जो इतना चीखते है। राघव ऐसा मत करना, कहीं कोई आत्मा पीछे ना पड़ जाए। और दुर्जन और उसका बॉस नाराज हो जाएंगे। पर हर्ष, हम लोग भी तो उसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं ना, और फिर हमने भी तो अपनी अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है कैमरा में आत्मा को पकड़ने के लिए। क्या हमें इतना भी आंख नहीं है ये देखने के लिए कि आखिर उन दरवाजों के पीछे है क्या? हम सिर्फ उनके लिए थोड़ी काम करते हैं, हम तीनों के अपने अपने भी तो कारण है जिनकी वजह से हम आत्माओं को ढूंढते रहते हैं। ऐसे खड़ी क्यों है? कुछ कर भी नहीं रही है? इसके हाथों में क्या है? खून भरे कपड़े। राघव कैमरा रेडी है, ट्राई कर इसका शॉट लेने की। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी अकेलो। हर्ष संभाल के। कैमरा रिप्ले करके देखो, वो दिख रही है कि नहीं? एक मिनट, देख रहा हूं। ये भी एक आत्मा? भगा गाड़ी, भगा गाड़ी, भगा हर्ष। सुना, मैंने कहा था ना, रात को न जाने कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती है। हाँ, लगता है जैसे तरह तरह की आत्माएं कैद हैं यहाँ पर। इन दरवाजों में से एक तो मैच खोल के ही देखूंगा। नहीं राघव, ऐसा कभी मत करना। दुर्जन, कैमरा मुझे दो। वो मिली थी रास्ते। आपको कैसे? हाँ मिली थी। कुछ मिला? आप खुद ही देख लीजिए। बहुत खतरनाक आत्मा है वो।
यहां से हिलना नहीं, चाहे कितनी भी आवाजें आए, हिलना नहीं। तो मैं देख के रहूंगा यामिनी कि दरवाजों के पीछे है कौन। वो तुझे ढूंढ ही, सब आत्माओं का खेल है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं कि बुरी आत्माओं ने क्या किया है। स्टेशन है, इतने लोग हैं आसपास कि कोई नहीं देख सका कि लड़की ने ट्रेन का टिकट खरीदा एक ऐसी खिड़की से जो दिखाई नहीं देती। ये लड़की गायब हो गई है। दीवार में से टिकट? दीवार में से नहीं, एक ऐसी खिड़की में से जो दिखाई नहीं देती है। वो लड़की उस ट्रेन में बैठी पर दिल्ली नहीं पहुंची। और आप चाहते हैं कि हम उस ट्रेन की शूटिंग करें अपने कैमरों से? इससे पहले ये पता करना होगा कि वो ट्रेन थी कौन सी। इस लड़की के घर जाकर देखो, शायद वही पे मालूम पड़े। मैं सच कह रहा हूँ आंटी,
मैं खुद नहीं जानता वो कहां गई। पिछली बार जब मेरी बात हुई थी उसे वो ब्लारा जंक्शन पे थी। क्या कहा तुमने? कौन सा स्टेशन? ब्लारा जंक्शन आंटी। जानता भी है क्या कह रहे हैं तुम? ब्लारा जंक्शन का नाम ले रहा है? आंटी मैं सच कह रहा हूं आंटी, उसने ट्रेन वहीं से पकड़ी थी आंटी। सच से बता कहां है मेरी बेटी? आंटी वो दिल्ली गई है, खजान मिल से आंटी। तू भी जाने वाला था ना उसके साथ? हाँ, मैं जाने वाला था आंटी, लेकिन मुझे स्टेशन मिला ही नहीं। झूठ, सब झूठ है। वो दिल्ली पहुंची क्यों नहीं अब तक? उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? वो दिल्ली नहीं कहीं और गई है, कहीं और पहुंचा दिया तूने उसे, कहीं और पहुंचा है। बोल, लगता है ये सच कह रहा है। लेकिन ये तो वहां गया ही नहीं, फिर कैसे मान ले ये सच कह रहा है? आंटी आकाश सच कह रहा है। ये देखिए आंटी, रीना ने खजान मिल की टिकट खरीदी थी। ये सेंट्रल स्टेशन है। लगे कैमरा में यही दिखा है। हमें ढूंढना ही पड़ेगा कि वो कौन सी ताकत है जो दिख नहीं रही। पर रीना को शायद दिख रहे थे, तभी तो बात कर रही थी उनसे। हाँ। पर मेरी बेटी ये क्यों? हम यही पता करने आए हैं आंटी कि आप ही की बेटी क्यों। अगर मेरी बेटी ये क्यों? तो तुम्हें ब्लारा जंक्शन नहीं मिला? नहीं। तो फिर चलो हम चलते। फिर से कौन आ गया? लगता है ट्रेन फिर से किसी को ले गई है। आपको किसने बताया कि ट्रेन यहां से जाती है? जाती है, कल गई थी। हो ही नहीं सकता, 30 सालों से नहीं गई है, कल कैसे जा सकती है? पर एक लड़की कल बैठी थी ट्रेन में। कहीं और से बैठी होगी। नहीं, वो यहीं से बैठी थी दिल्ली के लिए। देखो, बिना बात के झूठ मत बोलो। देखिए, मैं कह रहा हूँ पिछले 30 सालों से ये स्टेशन सुनसान पड़ा है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, भला यहाँ से ट्रेन कैसे जा सकती है? सुनो, इधर आओ, इधर। कजान मेल का नाम सुना है? हाँ, यहाँ पर आती है। हाँ, मौत लेकर आती है। कभी देखी है? मैं पूछ रहा हूं, कभी देखी है? ये लोग तो यहां पर यूं ही टाइम पास करते रहते हैं। आप लोग अंदर जाकर लहरा जंक्शन अपनी आंखों से देख लीजिएगा कि ट्रेन आती है या नहीं। आइए प्लीज, आइए। ऊपर जाने से पहले कुछ देखे जाओ।
क्या हुआ? आत्मा। क्या? आत्मा है, आत्मा है। कौन सी? फिर से हाथ दिखाओ। क्यों? दिखाओ, बाद में पछताना मत। तुम्हारी कोई दोस्त है लड़की? हाँ। वो अस्पताल में है। हाँ। तुम उसके आत्मा को ढूंढ रहे हो ना? मिलेगी? भाग जा, भाग जाओ वरना मर जाओगे, भाग जाओ। अरे भाग जाओ, सुन सुन सुन, अरे कारिक, हालत देख रहे हैं आप इस स्टेशन की? परसों से, सालों से यहां पर कोई भी ट्रेन नहीं आई है। ना आई है और ना ही गई है यहां से। टीना ने इसी स्टेशन से मुझे फोन किया था। फिर झूठ, अरेस्ट हो जाएगा समझे, अंदर हो जाएगा अगर फिर से तुम्हें ट्रेन का लग गया तो। वो यहीं से गई थी, उसने मुझे यहीं से फोन किया था। यहां पर कौवा तक नहीं आता, ट्रेन की बात तो छोड़ो। आई मीन हर्ष, इसको प्रिया के बारे में कैसे पता चला यार? हाँ, अचानक मौसम बदलने लग गया है। हाँ, आपने तो कहा था कि यहाँ पे कौवा तक नहीं आता। वो तो औरतें यहाँ पे क्या कर रही? अरे ये कौन है? नभी चक्कर आ गए उन्हें देखकर, पूछ के देखता हूँ। क्या कर रही हो तुम? मालूम नहीं कब साफ होंगे ये खून के दाग। कहाँ है खून? सब जगह है खून। 30 साल से इसे मिटाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये खून के दाग मिटते ही नहीं। पर आखिर ये खून है कहाँ? कहाँ है खून? खून? ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। ट्रेन को मत देखना, ट्रेन को मत देखना। आज कमिनी आत्मा। खून?
मगर खून है कहाँ? न जाने कब रुकेगी ये ट्रेन, कब मिलेगी हमें मुक्ति। इस ट्रेन को देखने से आदमी अंधा हो जाता है। हाँ। है क्या ये ट्रेन? पखारी जहाँ। पखारी? हाँ। वहाँ पे सिंगूरी मिलेगा। स्टेशन मास्टर सिंगूरी। उसने ट्रेन देखी है, उसे मालूम है। सिंगूरी? क्या चाहिए? स्टेशन मास्टर सिंगूरी है। खजान महल के बारे में पूछने आए हो? आपको कैसे पता? यहाँ सब लोग खजान महल के बारे में पूछने के लिए आते हैं। सिंगूरी है? ढूंढ लो। ढूंढ लो? ये सिंगूरी आखिर है कहां? सिंगूरी जी, मत मारो मुझे, मुझे मत मारो, मैं कभी नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, मैं खजान महल नहीं देखूंगा। सिंगूरी जी घबराइए नहीं, आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं खजान महल के बारे में। खजान महल? खजान महल नहीं है, कोई नहीं है, आत्माएं हैं, आत्माएं। देखिए, एक लड़की बैठी है उस ट्रेन में। गई वो, फिर कभी वापस नहीं आएगी वो। कभी नहीं आएगी? नहीं, कभी नहीं। जो उस ट्रेन में एक बार बैठ गया, वो उस ट्रेन से कभी उतर नहीं सकता। हमें दो औरतें मिली थी, खून साफ कर रही थी लारा जंक्शन पे। वो अभी भी वहां पर है? 30 साल के बाद भी वहीं पर है? पता नहीं कहां से आ गई वो औरत। उस दिन भी आई थी, 30 साल पहले। 30 साल पहले? क्या हुआ था 30 साल पहले? 30 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, 13 जुलाई 1979 को ट्रेन ब्रिज के ऊपर से पानी में गिर गई, सारे लोग मर गए, बस उसके बाद ये बाली खजान मेल चलने लगी। कि कहां से आती है, कहां जाती है, कोई नहीं जानता,
कभी कभी रुकती है ब्लारा जंक्शन पे। उस रात मैं ब्लारा जंक्शन पे ड्यूटी पे था। प्लेटफॉर्म पे सारे लोग सो रहे थे, कोई और ट्रेन आने वाली नहीं थी कि अचानक अचानक एक सारा का सारा प्लेटफॉर्म हिलने लगा। लोग न जाने अंदर कैसे आ गए, दरवाजा तो बंद था, वो पूरे के पूरे भीगे हुए थे। और उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी नौकरी। कैसे दिखती है वो ट्रेन? ऐसे है। और वो कीले लोग, वो कहाँ है? आत्मा ही थी। जो लोग ट्रेन में मर गए उनकी आत्माएं थी। उस लड़की के पास टिकट था खजान मेल का। जब जब किसी के पास टिकट होता है ट्रेन रुकती है। पर उसके पास वो टिकट आई कहां से? सेंट्रल स्टेशन पे वापस जाके देखो, शायद मिल जाए। हमें किसी भी तरह टिकट्स को खरीदना होगा। वो टिकट्स हमें मिलनी चाहिए तभी हम ट्रेन पर जा सकते हैं। लेकिन किसी तरह वो खिड़की दिखे तो। कैमरे शुरू करो और शूटिंग करते रहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। मुझे जल्दी से खजान मेल का एक टिकट दो। कितने पैसे? फ्री? वेरी गुड, लाओ। हर्ष राघव, वो देखो।